देखा उसे जब पहली बार बन गया दीवाना। में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइज, आप लोग जो ये वाला स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को आज इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली है कि मैंने इस वीडियो को कैसे एडिट किया है और किस तरीके से एडिट करना है। तो आप लोगों को पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहे हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर अभी तक अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि आपको हर रोज़ हमारी वीडियो मिलती रहे। तो गाइज चलते हैं, वीडियो को करते हैं। तो गाइज, आप लोगों को काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको 9x16 का रेशो सेलेक्ट कर लेना है, क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर लेना है, फिर आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। तो गाइज, आप लोगों को करना क्या है, यहाँ से इमेज स्टेट पर चले जाना है और ब्लैक कलर के इमेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको स्केप लेयर पर क्लिक कर देना है। जितनी लंबी आपको वीडियो बनानी है वहाँ तक खींच कर आपको कर लेना है। उसके बाद आपको आगे चले जाना है और ऊपर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है और मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जिस फोटो को आपको वीडियो बनानी है उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से इस फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। आप लोग अपनी फ़ोटो के साथ बनाना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो के साथ बना सकते हैं। तो इसके बाद आपको इसको फुल स्क्रीन कर लेना, तो स्प्लिट स्क्रीन पर जाना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा आपको इस तरीके से इसको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपको इस लेयर को बढ़ा लेना है और वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर लेना है। करने के बाद गाइज आगे चले आना है। आगे चले आने के बाद ऊपर से बैक हो जाना, लेयर पे क्लिक कर देना एंड मीडिया पे क्लिक कर देना। इमेज स्टेट पे चले जाना है और ब्लैक कलर के इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। जिसको आप लोगों को फुल स्क्रीन कर लेना है तो स्प्लिट स्क्रीन पर जाना और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक हो जाना है, नीचे चले आना इसके अल्फा ओपेसिटी पर और यहाँ से इसको आप लोगों को कम कर लेना है। कुछ इस तरीके से आप लोगों को कम कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कम कर लेता हूँ, कुछ इतना आप लोगों को कम कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको आपको कर लेना है 17 पर कर लेना है, 70 पर। तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, कुछ इस तरीके से आप लोगों को ब्लैक कर देना है। उसके बाद आपको इसकी लेयर को जो है आप लोगों को बढ़ा लेना है, वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर लेना है। कर लेने के बाद नीचे और आगे चले जाना, ऊपर से बैक हो जाना। बैक होने के बाद आपको लेयर पर क्लिक कर देना है, मीडिया पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको दूसरी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको फ़ोटो अच्छी लगी उसको आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या है, क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे जाना और मास्क को अनेबल कर देना है। मास्क को अनेबल करने के बाद आप लोगों को इसका थोड़ा थोड़ा भाग हम थोड़ा सा कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको स्वैप को ओपन कर लेना है, यहाँ से गोले वाले आइकन को आपको क्लिक कर देना है। अपने हिसाब से और भी कोई आपको जो भी इफेक्ट अच्छा लगे उसको आप लोगों को कर लेना है। उसके बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद थोड़ा सा हम इसको और कम कर लेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको इसकी लेयर को बढ़ा लेना है और वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर आपको कर लेना है। तो मैं यहाँ तक खींच कर लेता हूँ। कर लेने के बाद आपको आगे चले जाना है, ऊपर से बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको करना क्या, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद आपको यहाँ बीचों बीच में आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, कुछ अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको लेयर पे क्लिक कर देना है एंड मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एक हम म्यूजिक इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, नीचे चले जाना है इसके ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसको स्क्रीन कर लेना है। कर लेने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और नीचे चले जाना है आप लोगों को, इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको लेयर पे क्लिक कर देना है एंड मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ से हम दिल वाली पीएनजी को ऐड कर रहा हूँ, उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इजीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। उसको आप लोगों को छोटा कर लेना है कुछ हिसाब से। तो मैं यहाँ से इसको छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर इसको बीचों बीच में एडजस्ट कर लेना है, लगा देना है। उसके बाद आपको इसकी लेयर को बढ़ा लेना है और वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर लेना है। कर लेने के बाद आपको म्यूजिकली लेयर को भी बढ़ा लेना है और वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर लेना है। कर लेने के बाद आपको आगे चले जाना है, ऊपर से बैक हो जाना। बैक होने के बाद लेयर पे क्लिक कर देना है एंड मीडिया पे क्लिक कर देना है। यहाँ से एक हम लायरस सॉन्ग को सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इजीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लोग कोई अन्य कोई लगाना चाहते हैं तो आप लोग इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो इसको ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद थोड़ा सा वीडियो को बढ़ा लेना है। उसके बाद आपको इसको बड़ा करके और यहाँ पर इसके नीचे आप लोगों को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट कर देने के बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद आपको लेयर पे क्लिक कर देना है, मीडिया पे क्लिक कर देना है और यहाँ से एक हम वाइट बॉर्डर वाली पीएनजी को ऐड कर रहा हूँ, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इजीली आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना है।
तो मैं यहाँ से वाइट बॉर्डर वाली PNG को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद आपको स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। फुल स्क्रीन करने के बाद बैक हो जाना है। बैक होने के बाद नीचे चले जाना है इसके ब्लेडिंग वाले ऑप्शन पर और यहाँ से इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद बैक हो जाना है और इसके लेयर को आपको बढ़ा लेना है और वीडियो की ड्यूरेशन तक खींच कर लेना है। करने के बाद आगे चले जाना, ऊपर से बैक हो जाना है। फाइनली जो वीडियो है हमारी बनकर तैयार हो गई, आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हमारी जो वीडियो है फाइनली इस तरीके की बनकर तैयार हो जाएगी। इसको गैलरी में करने के लिए आपको एरो पे क्लिक कर देना और यहाँ से 1080x720 में आपको गैलरी में सेव कर लेना है। तो गाइज मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।